क्या करना है, टिक करना है। आप अपनी पेरेंट्स की हेल्प से आप हेल्प ले सकते हैं और इसको आप क्या करेंगे, ये टू ऑब्जेक्ट है, इनमें से स्मॉल कौन सा है, ये गिफ्ट है आपको, गिफ्ट बॉक्स है, ये हमारा स्मॉल है तो हम स्मॉल में मैम ने हमने टिक रखा, आप भी यहाँ पे टिक करेंगे और नेक्स्ट बॉक्स में ये इसमें क्रॉस करेंगे। नाउ नेक्स्ट ट्री है, टू ट्री है पिक्चर में दिख रहा है, इसमें स्मॉल ट्री पे हम क्या करेंगे, टिक एंड क्रॉस करेंगे पिक पर, ओके, क्योंकि स्मॉल क्वेश्चन में पूछ रहा था, स्मॉल को ही टिक करेंगे। नाउ नेक्स्ट कलर द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर बिग इन साइज, आपको ये टू ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, ओके, इसको आपको कलर करना है, जो बिग है साइज में बिग है उसको हम कलर करेंगे, जैसे रेड एंड आर्ट है, इन दोनों में से बिग कौन है, रेड, रेड है ना, इसको हम कलर करेंगे। एंड नेक्स्ट ये जैकफ्रूट एंड कैरेट, इन दोनों में से बिग हमें जैकफ्रूट लगे तो इसको हम कलर करेंगे, ओके स्टूडेंट। अब आपको मैम आपको बताएंगी, ये आपको कंप्लीट फिल कर लेना है। एंड आज अब मैम आपको बताएंगी लॉन्ग एंड शॉर्ट के बारे में, लॉन्ग एंड शॉर्ट मीन्स क्या होता है, लुक एट द इसकी स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 में आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट के बारे में मैम आपको समझाएंगी, लॉन्ग एंड शॉर्ट होता क्या है, ओके, लुक एट द स्टेज स्टूडेंट, लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबा, कोई चीज लॉन्ग होती है, लंबी होती है, और एंड नेक्स्ट शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स उससे छोटा, लॉन्ग है लॉन्ग, दिस इज लॉन्ग एंड शॉर्ट मीन्स छोटा, आपको पीछे भी दिख रहा होगा, दिस इज बोर्ड, ये लॉन्ग है, ये बोर्ड कैसे दिख रही है हमें, लॉन्ग, एंड नेक्स्ट बोर्ड कैसी है, शॉर्ट, उससे थोड़ी छोटी है, तो ये आपका लॉन्ग है मीन्स लंबी है एंड ये शॉर्ट है मीन्स छोटी है, तो ये लॉन्ग है शॉर्ट, इसको भी आप घर पे अपने ऑब्जेक्ट देखेंगे कि लॉन्ग एंड शॉर्ट होता कैसे है, ओके स्टूडेंट। अब हम एक्सरसाइज फिल करेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये आपके पेज नंबर 4 में कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 1 टिक द वंस व्हिच आर शॉर्ट इन साइज, अभी मैम ने बताया शॉर्ट, शॉर्ट मीन छोटा, जो लॉन्ग है लॉन्ग मीन लंबा और शॉर्ट मीन छोटा, तो इन दोनों एनिमल में से आपको शॉर्ट कौन सा दिख रहा है, शॉर्ट है तो हम क्या करना है, इसको टिक करना है, ये है ना, इसको ये शॉर्ट है, इससे हमें टिक करना है, क्रॉस करना है। नेक्स्ट इज टू एनिमल है, आपको इसमें शॉर्ट कौन है, शॉर्ट पे हमें टिक करना है एंड क्रॉस करना है हमें लॉन्ग, लॉन्ग पर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर द ऑब्जेक्ट व्हिच आर लॉन्ग इन साइज, कुछ ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसमें जो लॉन्ग है, लॉन्ग मींस मैम ने क्या बताया, जो लंबा होता है, ओके, लॉन्ग होता है, उसको हमें कलर करना है, तो ये स्नैक है, ये लॉन्ग है तो हमने कलर किया है, एंड देन बोर्ड को इन दोनों बोर्ड में से ये बोर्ड क्या है, लॉन्ग है तो इसको कलर करना है, ओके स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हैवी एंड लाइट, अब स्टूडेंट आपको वेजिटेबल दिख रहे होगा स्क्रीन पे, ये हैवी है, आपने हैवी है एंड देन ये लाइट है, हैवी मींस आप समझो, हैवी मींस होता है जो चीज भारी होती है, जो ऑब्जेक्ट आपकी काफी हैवी होती है, भारी होती है, मींस अगर आप स्कूल का बैग अगर आप कैरी करते हैं, लेके आते हैं और उसमें बहुत सारी अपनी बुक्स कॉपी रख ली है, तो क्या हो जाएगी, हैवी हो जाएगी, एंड देन अगर
cross. Now second question is color the object which are heavy in weight. आपको ये object दे रखा है, इसमें जो heavy है इसको आपको क्या करना है, इसको color करना है. ये हमारा heavy है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम color करेंगे. और इसमें ये heavy है इन दोनों में से, तो इसको हम color करेंगे. Okay student, अब मैम आपको बताएंगी take out page number 6. Page number 6 में आपको मैम बताएंगी more or less. Student page number 6 में more और less के बारे में जानेंगे. Okay, more means कोई चीज एक से ज्यादा होगा. Okay, and less means आपको एक से कम होगा. Means हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5. यहां पे आपको कितने आपको दिखे 5. And next से less में 1 2 3. तो हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो more means ज्यादा and less means कम, उससे कम. ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है. मोर मींस ज्यादा होता है एंड लेस मींस कम होता है. ओके स्टूडेंट, वो भी आप ही अपने घर पे कुछ ऑब्जेक्ट है उसको आप कलेक्ट करेंगे, कुछ आप एक साथ रखेंगे, ज्यादा रखेंगे. जैसे आपने 5 ऑब्जेक्ट रखा एंड नेक्स्ट में आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, 3 ऑब्जेक्ट ले सकते हैं. तो आप इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, ये मोर है जो आप 5 है वो मोर है एंड 3 जो ऑब्जेक्ट है वो आपका लेस है. तो ये आपका मोर और लेस हो गया. नाउ अब हम एक्सरसाइज फिल करेंगे. पेज नंबर 6 में जो क्वेश्चन है इसको भी हम फिल कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, राइट एम फॉर मोर सेट ऑफ थिंग्स एंड एल फॉर लेस सेट ऑफ थिंग्स. मींस आपको ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको जो मोर है, मोर में आपको एम लिखना है एंड जो लेस है मींस कम है उसमें हमें आप लेटर एल लिखना है. एम मींस मोर and L means less. Okay, तो हम words से आपको words दिखी, इसमें हम count करते हैं 1 2 3 4 5. Okay, 5 है then 1 2 3 4. तो ये 4 है, ये 5 है, तो 4 हम 5 हमारा more हो गया. तो यहाँ पे M लिखेंगे हम और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, L means less, इससे कम है ये, तो हम L लिखेंगे. Next 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, ये 8 है. ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखे एंड नेक्स्ट होगा 1 2 3 4 5 6, 8 एंड 6. 8 मींस मोर हो गया, इससे ज्यादा हो गया, तो एम लिखेंगे और ये कम है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एल. ओके, ये बॉक्स में आपको लेटर फिल करना है. ओके स्टूडेंट, आई होप आज मैम ने आपको जो भी समझाया है, मैम ने आपको समझाया है बिग एंड स्मॉल, आपको समझ में आ गया होगा. सभी बच्चे ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और इसकी पिक्चर क्लिक करेंगे. नाउ नेक्स्ट पेज इज ऑन पेज नंबर 4, लॉन्ग एंड शॉर्ट. ये भी मैंने आपको समझाया, इसकी भी आप पिक्चर क्लिक करेंगे